भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री रामलाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदनलाल जी सैनी, हमारे प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश जी, लोकसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, सह प्रभारी राजस्थान के श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री सतीश जी, प्रदेश महामंत्री संगठन के श्री चंद्रशेखर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब जी कटारिया और हमारे उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौर, जयपुर के सांसद श्री रामचरण जी बोरा, सीकर के सांसद श्री सुमेधानंद जी महाराज, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, जिला अध्यक्षगण, हमारे सब विधायकगण और पदाधिकारीगण, और सब पधारे हुए इधर इतनी भारी संख्या में आए हुए हमारे सब बूथ के अध्यक्षगण, उनको सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक जो आज इतनी भारी संख्या में सब यहाँ आए हैं, और जिला और मंडल स्तर के सब पदाधिकारीगण जो आज के दिन हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का आज हम सबके बीच में बड़ा स्वागत करना चाहती हूँ। आज वो हमारे बीच में है इस शक्ति केंद्र सम्मेलन के लिए, और मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहती हूँ। साथ ही जो मेरे सामने बैठे हुए बूथ अध्यक्ष हैं, मेरे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, और सब पार्टी के अंदर जो जान डालने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूँ जो आज यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज के दिन मैं सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ हम सबकी ओर से, जिन्होंने पुलवामा के अंदर अपनी जान की बलिदान हम सबके लिए की, और कुछ कायर आतंकवादियों ने उनको मौत के घाटी से उतार देने का काम किया, जिनमें राजस्थान के 5 सपूत भी बलिदान हुए थे। कल मैं उनके घरों में गई थी, मैं उनसे मिली थी, मैंने उनके परिजन को सांत्वना देने की कोशिश की, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय भी मैंने देखा कि एक भी आंख के अंदर, सब आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे, सब लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और बीती हुई घटना के ऊपर अगर हम सब भी व्यथित हो रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि उनके परिवारों के मन के अंदर कितना दुख, कितना गुस्सा होगा। बैठे बैठे मैं उनकी बहुओं से मिली, उनकी माताओं से मिली, और मैंने देखा कि उनकी माताओं के आंखों के अंदर एक भी आंसू नहीं, जबकि हमारे सबके आंखों में था। उन माताओं ने कहा कि हम इस चीज का बदला लेंगे। उन माताओं ने कहा मेरा एक बेटा गया है, परंतु मेरा दूसरा बच्चा मैं तैयार करूंगी, और उस बच्चे के साथ 10 और लोगों को मैं फ्रंट में भेजने का काम करूंगी, वो मेरे बच्चे का बदला लेगा और इस देश के स्वाभिमान को बना के रखेगा। मैं समझती हूँ कि ऐसी माताओं के सामने हम सबको सिर झुकाने की जरूरत है। वहां वो बहुएं थी जिनके मां के सिंदूर निपट गई थी, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लेके, क्योंकि 4 साल से बड़ा बच्चा मेरे को नहीं मिला, 2 महीने की बच्चियां, 2 साल के बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके उन लोगों ने अपने गले से लगा के उनको ये कहा कि हाँ मेरा दिल तो टूट गया है, परंतु इस देश के लिए मेरा पति, इसने जान अपनी दे दी है। मैं आपके सामने यह वादा करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चा, छोटा बच्चा था उसके हाथ में, तो इस छोटे बच्चे को भी मैं बड़ा करूंगी, मैं उसको साहसी बनाऊंगी,
और मैं उसको फ्रंट पे भेजने का काम करूंगी। ये उस बहू 22 साल की, 25 साल की, 27 साल की बहुओं ने ये बात हम लोगों के सामने की है। मुझे विश्वास है कि ये जो कायराना हरकत इन लोगों ने की थी, जिन्होंने भी की थी, उनको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपने कुछ तो देख ही लिया है, परंतु मैं समझती हूँ कि इसको भी आगे बढ़ाते हुए किसी को भी जिन्होंने इसके अंदर हाथ दिया था उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरी तरह से खड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने आपको कहा, उसी तरीके से आप लोग भी जुट के हमारे अगले चुनाव को पूरी तरह से जिताने का काम करोगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगी। ये विधानसभा के बाद पहली दफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इस परिवार के बीच में आए हुए हैं, हमारे परिवार के मुखिया। आज मैं आपको उनके सामने सबको ये कहना जरूर चाहती हूँ, आभार, बहुत बहुत आभार। आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और आपकी मेहनत की वजह से आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी अपना परचम फैलाने का काम किया। ये सब आपकी वजह से। मुझे मालूम है कि आपको लगता है, मुझे मालूम है ये भी लगता है लोगों को कि हम लोग जीत के तो नहीं आए, परंतु हमने कांग्रेस को भी अच्छी तरह से जीतने नहीं दिया। ये चीज को आप याद रखिए, ये आप लोगों ने किया है और आपके हाथों में इतनी ताकत है। इसलिए मैं आज ये कह रही हूं कि जब आप लोगों के बीच में जाओगे, बहुत कुछ है कहने को, आप याद दिला दीजिए लोगों को कि हम लोगों ने सेवा करने का प्रण लिया था, हम लोगों ने सेवा करके छोड़ा। आप उनको याद दिलाइए कि 5 साल के अंदर जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, आज ये लोग उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। आज चाहे वो भामाशाह योजना है, उसको रोकने का काम मैं सुन रही हूं कि होने जा रहा है। आपके गौरव पथ, आपके पीडब्ल्यूडी, आपके वर्क्स डिपार्टमेंट्स सब ठप हो गए हैं, पैसा कहीं नहीं जा रहा है, सब काम रुक गया है। आपके छोटे छोटे कार्य जो हम लोगों ने चालू किए थे, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई हो, चाहे न्याय आपके द्वार हो या राजश्री योजना हो, ये सब चीजें अब रुक गई। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जनता को हमसे प्रेम नहीं होता तो वो भी हमको उसी स्थिति में ला के रखते, जिस स्थिति को उन्होंने कांग्रेस में ला के रख दिया जब उनको 21 सीट मिली। आज 73 सीट लेके आप अपना सिर ऊंचा रख सकते हो। और आप ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की बात करी तो उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने की उन्होंने पूरी कोशिश की। हमने कहीं झूठ और फरेब की जाल के अंदर किसी को जकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर हमने भी झूठ बोल दिया होता तो मालूम नहीं क्या होता। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो विश्वास और प्रेम के ऊपर जाएंगे, और हम जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता का काम करके उसको दिखाने देंगे। आज हम लोगों ने किया है, मुझे बड़ी खुशी है। एक तरफ आपका वो देखने को मिल गया है, यहां तो हम लोगों ने कर्जा माफ किया तो वो कर्जा पूरा माफ करके हमने दिया, जितना हमने कहा था। लोग हमसे कहते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहती हूं कि एक एक पैसा हम लोगों ने सब देने का काम किया है, सबके खातों के अंदर चला गया है। और इन्होंने क्या किया है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि इन्होंने भी सहकारिता बैंक के अंदर अपने लोन माफी को बांधने की कोशिश की। हमने तो पैसा पहुंचा दिया, इन्होंने तो अभी भी झूठ के अंदर सब लोगों को बांध के रखने की कोशिश की है। प्रमाण पत्र किसका दे रहे हैं, जब उन्होंने ये जो हमारे पैसा देने की बात थी उसका बजट के अंदर प्रावधान ही नहीं किया है। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। और याद रखो भाइयों, आप लोग गांव से आ रहे हो, शहरों से आ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय बिजली की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आपको ये भी याद है कि इन्होंने फिर झूठ बोल के हमारे बच्चों को झूठ और फरेब के जाल के अंदर बांधने की कोशिश की है, भत्ता देंगे। कहा है कि पहले हफ्ता मार्च के में भत्ता देने का काम करेंगे। हमको देखना है कि उनको भत्ता मिलता है कि नहीं और वो कहां से पैसा लाते हैं, ये भी हमें देखने की जरूरत है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पंचायत राज के अंदर और हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो शिक्षा का एक प्रावधान रखा था उसको हटाने का काम कर दिया। आजकल के मॉडर्न जमाने के अंदर ये एक बहुत
इस साहसी और आगे चलने का कदम था उसको रोकने का काम इन लोगों ने कर दिया। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि 15-15 किसान मौत की चक्री में आ गए हैं, कुनी किनी तो ठंड की वजह से मरे और किनी किनी को क्योंकि पैसा उनके घर में नहीं था उसकी वजह से आत्महत्या का रास्ता उन्होंने अपनाया। और सबसे घिनौना काम तो यह है कि पिछले 2 महीने के अंदर 15 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो इस प्रदेश के अंदर मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों ने वो प्रावधान लाकर 12 साल की बच्ची को अगर किसी ने इस तरीके से सताया तो हमने कानूनी प्रावधान लाया था विधानसभा के अंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को और केंद्र की सरकार को जिन्होंने इसको मंजूरी दे दी और उस मंजूरी के अंदर हम लोगों ने कईयों को फांसी की सजा देने का काम भी किया है। आज इतने सारे बच्चियों के साथ ये हाल हो रहा है, ये राजस्थान कहाँ जाएगा, ये जनता ने उसको देख लिया। जनता समझ गई है कि कांग्रेस का राज आ गया है, 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ऊब गई है। भाइयों, आज आप लोग वो लोग हो जो इस प्रदेश के अंदर वो बदलाव ला सकते हो। आज आप लोग वो लोग हो जो मैं समझती हूँ कि जब ये चुनाव का व्यूगल आज से बजेगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बजाएंगे, तो उसको लेके आप लोग जब गांव-गांव के अंदर जाओगे तो आप इसका सबके बीच में बात कर सकते हो। मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि छाती ठोक कर आप खड़े होकर केंद्र सरकार की और राजस्थान की सरकार की बातों को सबके बीच में ला सकते हो, क्योंकि विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। और आप लोग सबने देखा है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा विकास हुआ है। और इसलिए अब सबसे बड़ी परीक्षा आप लोगों के सामने आई। मैं तो आप लोगों को ये कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आप जहां जहां जिस जिस क्षेत्र के अंदर हो उस क्षेत्र को संभालो और उस क्षेत्र के अंदर सबको याद दिला दो कि हमने एक रिकॉर्ड कायम किया था राजस्थान के अंदर जब हमने 25 की 25 सीटें जीती थी। क्या हम सब जो यहां बैठे हैं फिर से उस रिकॉर्ड को कायम कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ ऊपर करके हमें बता दो, अध्यक्ष जी को बता दो कि हाँ हम कर सकते हैं और फिर से मोदी जी को जिता के वापस लाने का काम हम लोग करेंगे। राजस्थान के अंदर हमारी उस सीटों को लाके हम लोग देंगे और हमारे इस देश के अंदर एक दफा और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के छोड़ेंगे। और इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करती हूँ और मेरा निवेदन यह है कि कहने को बहुत कुछ है, चूको मत, उन सब चीजों को लेके जाओ, सबके बीच में उसको फैलाओ और प्यार से सबके सब लोगों के वोटों को भी बटोर के लाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना झंडा गाड़ सके। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको देख के अच्छा लगा और इतनी संख्या में आप लोग सब आए हो, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी विश्वास के साथ जाती हूँ कि आप जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो इस काम में पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान में भी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से एक नई दिशा राजस्थान के संगठन को मिली है। 12 जिलों में आज कार्यालयों के नियम का शिलान्यास होगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, कृपया रिमोट से उन 12 कार्यालय कोटा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 12 कार्यालयों का शिलान्यास आपके कर कमलों से हो।